जब रिश्तों में दूरियां आ जाती है ना, तो उन्हें एफर्ट्स के साथ भरा जा सकता है, पर अगर एहसास कमजोर पड़ जाए ना, तो उन्हें खुदा भी कुछ नहीं कर पाता। जज्बातों के समुंदर में कहानी की छोटी सी कश्ती पे सवार हूँ। जज्बातों के समुंदर में कहानी की छोटी सी कश्ती पे सवार हूँ, जो हर एहसास पे लिख दे, मैं वो छोटी सी कलाकार हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करिए, नो चीटिंग। सब लोग इधर भी सब लोग अपनी आईज क्लोज करिए और आंखें बंद ही रखिए, और याद करिए उस इंसान को, उस दोस्त को, उस प्यार को जो आपके दिल के सबसे करीब है। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे कभी खोना नहीं चाहेंगे। जिंदगी इधर से उधर हो जाए, पर आपका वो दोस्त, वो प्यार हमेशा रहेगा। आंखें बंद ही रखना और अब याद करो उस इंसान को जो आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल था पर अब नहीं है। आंखें खोल लीजिए। थोड़ा अजीब लगा ना कि जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो जब चले जाते हैं तो रह जाते हैं बस कुछ अधूरे एहसास। मेरी आज की कहानी भी ना कुछ ऐसे ही रिश्तों पे है। यूं तो काफी लोग आए और चले गए और कुछ जिंदगी में बस एक किरदार बन के रह गए, पर मेरा ये रिश्ता मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। शी वॉज एवरी थिंग टू मी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई लाइफ, माई फैमिली। पर रेत जानते हैं, सैंड, जब उसको मुट्ठी में कस के पकड़ती हूँ ना, तो फिसलने लगती है। कुछ रिश्ते ना रेत की तरह होते हैं, अगर उनको कस के पकड़ो ना, तो उसे वो मुट्ठी से नहीं, जिंदगी से फिसलने लगते हैं। It was year 2014 when I moved to Delhi, और इस बार डिसाइड कर लिया था कि कुछ पुरानी गलती नहीं करनी है, दोस्त सोच समझ के बनाने हैं और सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है। पर प्लानिंग ना हम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम सबसे ज्यादा प्लानिंग करते हैं तब लाइफ अलग ही खेल खेलती है। तो गलती तो हुई बॉस, भर भर की गलतियां हुई, पर एक बात की खुशी थी कि द फ्रेंड्स दैट आई हैड इन माय कॉलेज एट द बेस्ट ग्रुप, दे नेवर जज मी, इन फैक्ट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई हैड द बेस्ट ग्रुप ऑफ गर्लफ्रेंड्स, पर दिल ना अभी भी कुछ ढूंढ रहा था। मे बी अ फ्रेंड, अ सोलमेट, अ फ्रेंड हु कैन बी एज क्रेजी एज लाइक यू, a friend whom you can call as a family, and a friend who will never judge you, and I finally got one. par aur ha hamari na start bhare hi bollywood style mein hui thi, such mein we never lied each other, in fact we hated each other, aur humne jab dekha tha na ek dusre ko, socha tha yaar ye meri dost kabhi nahi ban payegi, par time bita aur waqt badla aur humne decide kiya ki hum jaise hain tede mede, we are perfect for each other. So we did everything. We bunk classes, we went for shopping, हमने दिल्ली की सारी गलियों को explore की, क्योंकि दिल्ली मेरी न्यू सिटी था, और हमने तरह तरह के खाने खाए और ऐसे गानों पर डांस किया जिसमें कोई नॉर्मल इंसान डांस भी नहीं कर सकता। And most importantly, we checked out some really hot guys. ठीक है, I had everything in my life जो मुझे चाहिए था। आंटी का ये कहना कि राधिका जब भी घर पे आती है घर की रौनक बढ़ जाती है, फिर क्या मिल गया था मुझे कोई अपना कहने वाला। मैं ना आंटी से हमेशा कहती हूँ कि जब भी मेरी शादी होगी ना, विदाई उसी घर से होगी, बिकॉज दैट हाउस इज लाइक माई सेकेंड होम। पर कैसा लगेगा आपको कि जिसके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे वो बस कुछ 2-3 घंटे की मुलाकात में सिमट गया, लॉन्ग मैसेजेस अब बस कुछ अपडेट्स में रह गए, और आपको एक दूसरे की लाइफ के बारे में सोशल मीडिया से पता चल रहा है। थोड़ा अजीब लगेगा ना, पर इट्स नॉट दैट आई एम नॉट चेंजिंग, एवरीबडी इज चेंजिंग, एंड एवरीबडी इज चेंजिंग, मूविंग, ग्रोइंग, एक्सप्लोरिंग, एंड इवन आई लाइक दिस चेंज। पर एक सवाल है यार, वक्त सबका बदल रहा है, पर वक्त के साथ रिश्तों का बदलना जरूरी है क्या? वक्त की यारी तो हर कोई कर लेता है, पर मजा तो तब है जब वक्त बदले पर आपकी दोस्ती नहीं। सो माय 8 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप वाज डाइंग। मैं वही खड़ी थी, रोकना चाहती थी, पर मैं रोक नहीं पा रही थी। जिस दोस्ती के गुलदस्ते को हमने बड़े प्यार से अपने रंगों से रंगा था, वो मेरे ही सामने थोड़ा मुरझा रहा था, थोड़ा फीका सा पड़ रहा था।
एंड इट्स नॉट दैट वी डिडंट ट्राई, वी डिड, पर समझ नहीं आ रहा था कि उसकी और मेरी गलतियां गिनाऊं या फिर उससे ज्यादा उम्मीद कर ली इस बात का गम जताऊं। जब रिश्तों में दूरियां आ जाती है ना, तो उन्हें एफर्ट्स के साथ भरा जा सकता है, पर अगर एहसास कमजोर पड़ जाए ना, तो उन्हें खुदा भी कुछ नहीं कर पाता। द करंट सिचुएशन इज, सिचुएशन इज वी डोंट टॉक एनीमोर। यार हम बचपन में पेंसिल बॉक्स लेकर जाते थे और उसमें हमेशा 2-3 एक्स्ट्रा पेंसिल्स होती थी। वो जब भी हमसे कोई एक्स्ट्रा पेंसिल मांगता था तो देने से ज्यादा हमें वापस लेने की जल्दी होती थी कि यार कहीं वो खुआ तो नहीं देगा, वो घर तो नहीं ले जाएगा, चोरी तो नहीं हो जाएगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ना वो एक्स्ट्रा पेंसिल की तरह थी। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में और दोस्त नहीं थे, पर मेरी लाइफ में वो नहीं है। और आई नो कि हम चाह करके भी अब सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, पर हमारी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ हमने इतनी प्यारी यादें बनाई होती है कि भले वो जिंदगी से चले जाएं, पर उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहती हैं। और उन यादों के भरोसे आप हमेशा एक आस लगाए बैठे रहते हो कि वो वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके सामने आप जो थे ना, वो आप किसी के सामने नहीं हो सकते। तो आई नो हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती का धागा काफी कमजोर पड़ गया है और सुलझाते सुलझाते शायद अब टूट भी गया है, पर जो यादें और जो तस्वीरें हैं ना हमारी, वो मरते दम तक हमेशा जिंदा रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि अब वापस आने कुछ बचा नहीं है। पर इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तो दिलों की नजदीकियों से। दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तो दिलों की नजदीकियों से। वक्त सबका बदला है, जिंदगी ने अपना रुख मोड़ा है, पर मेरी यादों का घड़ा आज भी भरा है। होकर जिसको भीड़ में अपना कहा था, रोक सकते थे उन्हें, पर वो खो ही नहीं थे, बदल जो गए थे। काम छोड़कर जिनके लिए वक्त निकाला करते थे, आज वक्त नहीं उनके पास अपने काम की वजह से। हाँ थोड़ी अकेली हूँ, जिंदगी में थोड़ी दुखेली भी हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा याराना तोड़ दिया। याद तुम्हारी बहुत आती है, बस फर्क इतना है कि अब जताना छोड़ दिया।